हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तबीयत खराब हुआ था बीच में, बट नाउ आई एम ओके, 99% ओके। 1% जो है वो थोड़ा सा गले में खराश आती है एंड बस इतना ही तक है, बाकी ऑल इज वेल। तो चलिए, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:10 और अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा आज का ब्लॉग। आज है नाइन्थ। कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। मैं कहाँ हूँ, नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक्चुअली क्या है ना, डेली रूटीन में कोई चेंजेस नहीं है। वही सुबह उठो, घर झाड़ू पोछा करो, बैग लो, काम पे निकल जाओ, काम करो, दोपहर में यहाँ आओ, वीडियोस बनाने का काम करो, थोड़ा खाओ या नहीं खाओ, फिर काम पे निकल जाओ, रात को घर जाओ, बैठ के वीडियो एडिटिंग का काम करना है तो करो, नहीं तो नींद आता है तो सो जाओ, फिर सुबह उठो, फिर वही रूटीन। तो कौन सा डे मंडे, कौन संडे, और संडे मेरा छुट्टी तो रहता ही नहीं है, तो मेरे लिए कोई भी डे अलग नहीं है, सब एक जैसा। तो इसीलिए ना दिन पता रहता है, ना डेट पता रहता है, ना मंथ पता रहता है, बस जिंदगी चल रही है, जिंदगी के साथ चलते जाना है। जैसे पानी बहता है, पानी बहते हुए पानी के साथ हम लोग बह जाते हैं ना, तो बस वही जिंदगी बीत रही है, जिंदगी के साथ हम लोग भी बीत जाएंगे किसी दिन ऊपर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अभी थोड़ी देर पहले मैं आई हूँ, आने के बाद मैंने सबसे पहले फ्रेश हुआ, और अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, सुबह के टाइम पे मेरा जो काम है वो थोड़ा सा कम रह रहा है, तो यहाँ जल्दी आ रही हूँ, बट मुझे फिर से 12 निकलना भी है। अभी 11 हो रहा है, तो मैं नाश्ता लेके आई हूँ। सुबह मैं घर से नाश्ता करके निकलती नहीं हूँ, सो मैं आज यहाँ पे नाश्ता लेके आई हूँ, पूरी सब्जी। इतनी सुबह सुबह निकलती हूँ और जल्दी भी आ जाती हूँ ना, तो इस टाइम पे ना रोड साइड पे गरम गरम पूरी सब्जी बिक्री, मतलब बेचते हैं सब, जो देख के मुझे बहुत लोभ लगता है। मैं ये सब खाना मैंने छोड़ दिया था, बट अभी 2 से फिर से ये चालू हो गया। चलो 2 के लिए, इसके बाद फिर मुझे ये खाने का टाइम मिलेगा नहीं डेली। सो आज मैं पूरी सब्जी लेके आई हूँ, पूरी सब्जी टिफिन खाएंगे, बट उससे पहले मैं क्या करूंगी, वो जो मेरा पेड़ देख रहे हो ना, जिसको बंगाली में पाता बाहर बोलते हैं, इसका हिंदी नाम मुझे नहीं पता, आप लोगों को अगर इसका हिंदी नाम पता होगा या इंग्लिश नाम पता होगा तो कमेंट में जरूर लिख देना। मैं 1-2 छोड़ छोड़ के उसमें पानी देती हूँ। ये रहा पानी, डेली देने की जरूरत नहीं होती है, 1-2 छोड़ छोड़ के उसमें पानी देती हूँ। तो सबसे पहले जिस दिन पानी देना रहता है ना, मैं बाद में भूल जाऊंगी, इसी वजह से सबसे पहले पानी दे देती हूँ। और इसके बाद मैं करने वाली हूँ नाश्ते से पहले घर में थोड़ा बहुत काम है। कल मैंने बेडशीट, कुछ कपड़े वगैरह मैंने वॉश किया था, मैंने जो सब बाथरूम में टांगे हुए थे वो सब मैंने निकाला। अभी मैं यहाँ जंगले में जैसे रस्सी टांग के मैं देती हूँ, विंडो पे देना है, तो बाद में करने जाऊंगी ना, तो फिर बाद में होगा नहीं, तो इसी वजह से सबसे पहले मैं ये काम कर लूं। और यहाँ पे फैन भी लेके आई हूँ, ये देखो स्टैंड फैन, जिसको चला देना है ताकि हवा लग के ये जल्दी सूख जाए। बस देख रहे हैं, टांग दिए रस्सी, अब इसी के ऊपर जितने भी कपड़े होंगे सब एक साथ आएंगे, नहीं जितने भी होंगे बस कपड़ों को इस पे लटका देना है और फैन को चालू कर देना है। मैं 4 तक यहाँ पे रहूंगी, सब एक दिन में सूख जाएंगे। ये देखिए इतने सारे कपड़े, इन सबको अभी देना है। इसका जो पानी है ना सब निकल चुका है, बस इसमें थोड़ा सा हवा या धूप लगेगा हो जाएगा। बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है मुझे, गर्मी के सीजन में बाल खोल के रहा ही नहीं जा सकता ऐसे, और मुझे बाल खोल के रखना बहुत ज्यादा पसंद है। एक्चुअली हेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा पतला है, तो इसी की वजह से कोई हेयर स्टाइल मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैं ज्यादातर ऐसे कर लेती हूँ। चलिए, ओ माँ, देखिए फैन को मैंने ऑन कर दिया, बस इस तरफ में मैंने ये भारी वाला चद्दर दिया है ना, तो ये जल्दी सूख जाएंगे। देखो रस्सी खुल के गिर गया,
चद्दर इतना भारी है कि चद्दर रहा ही नहीं। ये देखो ये सीधा हो चुका है। अब इसको करना है ठीक, थोड़ा सा टाइम दीजिए। काम बढ़ जाता है ये काम करने के बाद, अगर वो फिर से खराब हो जाए। एक्चुअली ये जो चद्दर है ना वो बहुत ही ज्यादा भारी है, जिसकी वजह से वो सीधा हो गया, वेट नहीं ले पा रहा है। उस तरफ से भी शायद खुल जाएगा। ये देखो ये भी सीधा हो रहा है, मतलब समझ लीजिए वो चद्दर कितना भारी है, कैसे मैंने इसको खींचा है ना। इन्हीं सब चद्दरों को क्लीन करने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए होता है। आप लोग प्रे करो कि मेरे घर पे जल्दी से एक वॉशिंग मशीन आ जाए, है ना। हो गया, इन कपड़ों को इन्हीं तरह से मैं सुखाती हूँ। और आज कपड़ों में बहुत ही अच्छा एक सेंट आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि कल मैंने कपड़ों में ये डाला था, फैब्रिक कंडीशनर। इसके वजह से आज मैं जैसे घर पे आई हूँ ना, दरवाजा खोलने के बाद एकदम लग रहा है जैसे घर पे रूम फ्रेशनर स्प्रे किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला काम कर लिया, अब नाश्ता निकालती हूँ। तो कपड़ चोपड़ शुकनो देवा हो गए, बेसिने अनेक बासन जमे कल के चायर बसन सेगुलो मेजेछी, मेजे देखो चा बसिए दिएछी, माझखाने अनेकटा काज करेछी, सब भिडियोते आनिनि कारण एगुलो देखाते गेले भिडियोटा अनेकटा बड़ो हये जाय। तो जाइ होक नाओ चा तो बसिए दिएछी, चा फुटछे। आमि आमार ब्रेकफास्टटा बेर करेछि, एगुलो करते करते प्राय 11টা বেজে, 11:30টা বেজে গেছে। আর কচুরিটা যখন এনেছিলাম না একদম ফুলকো ফুলকো গরম গরম ভেজেছে আর প্যাক করেছে, বাড়ি আস্তে আস্তে সব নেতিয়ে পড়েছে। আর লুচিটা না কিরকম জানো তো, একদম ঘরোয়া টাইপের, মানে ওই হিং দেওয়া নেই, কোনো পুর ভরা নেই। বাড়িতে তো আমরা নর্মাল লুচি করে খাই, যার মধ্যে হিং বা খাবার সোডা ইউজ করি না আর কোনো রকম পুর ভরি না। আমার আবার ওই হিং খাবার সোডা তারপর পুর ভরা লুচি একদম ভালো লাগে না, ঘরোয়া লুচি দারুণ লাগে। তো এটা আজকে দেখতে পেলাম, হঠাৎ করে দেখতে পেয়ে আমার নিতে ইচ্ছা হলো, তো নিয়ে ফেললাম। আর এই দেখো তরকারি, তরকারি অনেকটা দিয়েছে দেখা যায়, বাবারে এত তরকারি দিয়েছে যে আমার পক্ষে খাওয়াই সম্ভব নয়। আমার আবার একটু তরকারি কম লাগে। কাবলি চানা, আলু আর যে গোল গোল মটর হয় সেই মটর, এই তরকারি আমার কাছে কত জমে গেছে জানো, এই কদিন এনে এনে খাচ্ছি। তরকারি দেয় অনেকটা করে, আমার হয়ে যায় তরকারিটা বেশি। ব্যাস এই দেখো, এইটা আমার আর লাগবে না, তো এটা রেখে দিচ্ছি ফ্রিজে। এরকম আরো একটা, এটা হলো 1 2 3, আরো 3 জায়গায় আছে। একটা হচ্ছে ছোলার ডাল, একটা হচ্ছে ঘুগনি, একটা ছোলা আলুর তরকারি, আবার এটা। তো সবকটাকে একদিন একসাথে ফুটিয়ে গরম করব। তো এই হলো আমার খাবার, এন্ড চা হয়ে গেছে, বন্ধ করে দিলাম চাটা ছেঁকে নি। চা কিন্তু সকাল থেকে দুবার হয়ে গেল, আমি চা খেয়ে খেয়েই কোনদিন মরে যাবো দেখবে। সকালে বাড়িতে চা খেয়ে বেরিয়েছি, কাজের জায়গায় চা খেয়েছি, আবার এই মানে 11:30টার মধ্যে 3 বার চা হয়ে গেল। চলো এবারে নিয়ে বেডরুমে চলে যাই। চলে আসলাম খাবার নিয়ে বেডে, এখানে বসেই খাই। তোমরা হয়তো অনেকে বলবে বেডে বসে খায়, বেডে বসে খায়। সত্যি বেডে বসে খাই, বিকজ এটা একটা ব্যাড হ্যাবিট আমার।
বিছানায় বসে খাওয়াটা। আগে মানে বিয়ের পরে পরে যে ফ্ল্যাটে থাকতাম, ফ্ল্যাটটা ছোট ছিল, তো ওখানে দুজন ফ্যামিলি মেম্বার থাকতো, তা ওখানে যাওয়া আসার রাস্তাটার মধ্যেই আমার রুম। সেক্ষেত্রে মাটিতে বসে খেতে পারতাম না, বিছানা বসেই খেতে হতো। সেই যে একটা হ্যাবিট রয়ে গেছে। আর এইখানে সোফা বলো বা বসার জন্য আলাদা কিছু নেই, এই চেয়ার বাদ দিয়ে। একটা টেবিল চেয়ার থাকলে ওখানে বসে খাওয়া যেত, এখানে বসতে হবে কোথায়, মাটিতে। মাটিতে আর বসা হয় না, একলা থাকি, বিছানায় বসে খেয়ে নিই। তো এই হলো আমার গরম গরম লুচি আর দুধ চা। সো চলো ভিডিওটা এখানে অফ করছি, তোমরা ভিডিওটা দেখো, কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। এই এই টাইমটা থেকে আমার মর্নিংটা স্টার্ট, মানে ব্লগিং করা স্টার্ট করলাম। সো এটা ছিল আমার মর্নিং ব্লগ। এবার তোমরা সবাই দেখো কেমন লাগলো, কমেন্ট করে জানিও। টাটা।